मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। आइए आज के वचन मनन के लिए एफेसियों की पत्री 4 बाप उसका 29 वचन हम लोग पढ़ेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। मैं उर्दू में पढ़ूंगा एफेसियों की पत्री 29 उसका 4 अध्याय उसका 29 वचन। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। हम आज जो विषय मनन करने जा रहे हैं वो उस मुंह के विषय में है जिसके मुंह से अनावश्यक बात फालतू बातें नहीं निकलती जिससे परमेश्वर दुखी होता है। हम सब जानते हैं जब हमारा नए सिरे से जन्म हुआ प्रभु यीशु को जब हमने जीवन दिया तो हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हैं। और हम जब अब परमेश्वर के परिवार के सदस्य बने हैं हमें ध्यान रखना इस परिवार में स्वर्गीय पिता ने कुछ असूल कुछ सिद्धांत बनाकर रखे हैं। परमेश्वर पाप के स्वभाव को सहता नहीं क्योंकि ये पापमय स्वभाव परमेश्वर के परिवार के उस माहौल को उस वातावरण को बिगाड़ता है। हमारा पिता हमारा प्रभु सिद्धांतों का परमेश्वर है। स्वर्गीय सिद्धांत परमेश्वर के स्वभाव पर आधारित है। हम जानते हैं जब आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए और पाप ने उनके जीवन पर राज्य किया परमेश्वर ने उन्हें बगीचे से बाहर निकाल दिया क्योंकि पाप का स्वभाव परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं हो सकता। स्वर्ग का वातावरण इतना शुद्ध है इतना पवित्र है और उसके बारे में प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना उसका विवरण करता है। यहां तक कि स्वर्ग के सेराफीम भी परमेश्वर की पवित्रता की प्रशंसा करते हैं। तब हम जो स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं हमें अपने सब बातों में कितना ध्यान रखना चाहिए। स्वर्ग में कोई मूर्ख बातें नहीं होती जो सुनने वालों के लिए ठोकर का कारण हो। परमेश्वर की आत्मा हमसे कहती है कि हमारे मुंह से निकलने वाली एक एक बात दूसरों की तरक्की के लिए दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम होना है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा इसराइली लोगों के बीच में कैसे कार्य किया। मिरियम जो मूसा की बहन है जब उसने मूसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाई परमेश्वर ने मिरियम पर सजा भेजा। क्यों? क्योंकि इसराइल के कैमे के अंदर का वो वातावरण इन बातों के कारण बिगड़ रहा था। परमेश्वर कहता है मूसा परमेश्वर से मुंह मिलाकर बात करता था यानी आमने सामने बात करते थे। और हम मूसा के जीवन को जब देखें उसके मुंह से कभी कोई अनावश्यक बात निकलते हुए हम नहीं पढ़ते हैं। उसने अपने जीवन में बहुत उन्नतियां पाई है कितने ऊंचे स्थान में था लेकिन कभी भी अपने जीवन के बारे में घमंड करते हुए हम नहीं देखते हैं। सो परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है। परमेश्वर अगर अपने चुने हुए लोगों के विषय में इतना शक्त था तो हम जो परमेश्वर के साथ अनंत काल समय बिताने जा रहे हैं हमारे विषय में स्वर्ग कितना ध्यान देता है। हम जिन्होंने मसीह यीशु के द्वारा अनंत जीवन पाया है परमेश्वर चाहता है कि हम इस जीवन में अकेले नहीं अनंत काल में भी दूसरों के साथ के हमारे व्यवहार में मैंने वो ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करना है। कोई भी पापमय स्वभाव हमारे मुंह से प्रकट नहीं होना जो स्वर्गीय वातावरण को बर्बाद करे। इसलिए परमेश्वर की आत्मा कोलोसी 3:8 में साफ साफ कहती है पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध रोष बैर भाव निंदा और मुंह से गालियां बकना ये सब बातें
छोड़ दो, मैं उर्दू में पढ़ता हूं। कोलोसी उसका 3:8 वचन, लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदकवाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। इधर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हमने अपने मुंह से व्यर्थ बातें नहीं करनी। इसमें मजाक करना भी शामिल है, क्योंकि उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। हमारे लिए ये सरल लगेगा। कई बार हम फालतू का मजाक करते हैं, जिससे सुनने वाले को उसकी कोई उन्नति नहीं होती। परमेश्वर चाहता है हमारी बातों में वो अनुग्रह हो, ताकि हमारा जी बातें दूसरों के लिए तसल्ली हो सके। आइए हम अपने आप को जांचें, क्या हम अपनी बातचीत में ध्यान रखते हैं या उसको इतनी कीमत नहीं देते हैं। हमेशा ध्यान रखें, हमारी बातचीत दूसरों के लिए तसल्ली का कारण हो, फालतू का टाइम बर्बादी ना हो। सो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सहायता करे, ताकि हमारी बातों में वो अनुग्रह और शुद्धता स्पष्ट हो और सुनने वाला भी तसल्ली पा सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका आगमन जब नजदीक है। बाप, इन दिनों में अपनी जबान को अपने मुख पर लगाम लगाने के लिए हम एक एक को मदद कर, ताकि हम जो भी बात करें, प्रभु दुखी दुनिया में लोगों के लिए हमारी बातें तसल्ली का कारण बन सके। ज्ञान दे ताकि जो भी बात बोले सामने वाले को हौसला मिल सके, तसल्ली मिल सके। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु का आगमन नजदीक है। प्यारे अजीजों, आइए इन दिनों में जब हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपने मुंह से निकलने वाली हर बात पर ध्यान दें कि सुनने वाले ठोकर ना खाएं, वरन तसल्ली पा सकें, दिलेरी पा सकें और जीवन में उन्नति कर पा सकें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। प्रभु हम सबको आशीष दें। मारा ना था।